के चौथे पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सरकार की सतर्कता से कोई भी बड़ा हादसा होने से बच गया। इस बारे में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए अराजक तत्व जो हम भारत के अंदर हैं, कुछ नौजवान बहक गए हैं, आईएसआई के प्रभाव में हैं, जो बंदूक उठाना चाहते हैं। उसी प्रकार से देश के बाहर से भी, हमारे पड़ोस से भी कुछ बड़ी घटना अंजाम देने की एक साजिश चल रही है। कुछ हथियार मिले हैं, कुछ माइंस मिली हैं, जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं उनको उड़ाने की एक सोची साजिश चल रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। और उसको ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अमरनाथ यात्रा में जो आगे आ गए हैं उनको दर्शन किया कराया जा रहा है, लेकिन नए जो आने वाले लोग थे उनको रोक दिया गया है। साथ में वहाँ पर अराजक तत्व जो हैं वो कोई बड़ी घटना ना कर दें, इसलिए सुरक्षा कर्मी और अधिक संख्या में वहाँ पर बुलाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर और वहाँ के रहने वाले लोगों के हित में जो भी कार्य होगा, जो भी कदम उठाने होंगे, वो केंद्र सरकार उठाएगी। नागपंचमी त्योहार के मद्देनजर हर